जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार 9 सितंबर 2022 है। श्रीनाथ जी में आज मल्ल कच्छ टिपारा का ऐच्छिक श्रृंगार है। हम जानते हैं कि जिन तिथियों के लिए प्रभु की सेवा प्रणाली का में कोई वस्त्र श्रृंगार निर्धारित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, उन तिथियों में प्रभु को ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार का जो निर्धारण किया जाता है उसमें प्रभु श्री गोवर्धन धारण की इच्छा सर्वोपरि होती है, जबकि ऋतु की अनुकूलता ऐच्छिक श्रृंगारों की उस दिन उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है और उसी के आधार पर पूज्य श्री तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से प्रभु के तत्सुख की भावना से मुखिया जी अपने स्वविवेक के आधार पर ऐच्छिक श्रृंगार का निर्धारण करते हैं और धराते हैं। ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार के रूप में आज जो मल्लकच्छ का श्रृंगार धराया जाता है उसमें मल्लकच्छ शब्द दो शब्दों मल्ल और कच्छ के मेल से बना है। ये एक विशेष परिधान है जो आमतौर पर पहलवान अर्थात मल्ल कुश्ती के समय पहना करते थे। यह श्रृंगार पराक्रमी प्रभु को वीर रस की भावना से धराया जाता है। आज की साध सेवा में श्रीनाथ जी में आज गोवर्धन शिखर सांकरी खोर में गोरस बेचने जाती गोपियों और श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी मल्लकच्छ टिपारा धराए हुए भुजदंड से मटकी फोड़ने के लिए श्रीहस्त की छड़ी को ऊंची कर रहे हैं और मटकी में से गोरस छलक रहा है। ऐसे सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की पिछवाई आज धराई जाती है। आज गादी तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को आज चौफुली चुंदड़ी का रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित मल्लकाच धराया जाता है और इसी तरह का चौफुली चुंदड़ी का पटका धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए जाते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा की चर्चा करें तो प्रभु के श्रीकंठ में आज जो श्रृंगार धराए जाते हैं, आवरण धराए जाते हैं, वो छेड़ान के श्रृंगार हल्के श्रृंगार होते हैं और जबकि बाकी सभी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं। आज सर्व आवरण फिरोजा के सुशोभित किए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीमस्तक पर आज टिपारा का साज धराया जाता है जिसमें चौफुली चुंदड़ी के टिपारे की टोपी के ऊपर मध्य में मोतियों से सुसज्जित मोर शिखा धराई जाती है और दोनों ओर दोहरा कतरा धराए जाते हैं तथा ठाकुर जी के बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज चूंकि दान लीला के दिन चल रहे हैं अतः चोटी जी नहीं धराई जाती है। प्रभु श्री के श्रीकंठ में आज श्वेत पुष्पों की कलात्मक रंग बिरंगी थाग वाली दो माला जी धराई जाती है। आज कमल माला भी धराई जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी लाल मीना के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं जिनमें से एक वेत्र जी सोने के होते हैं और एक लाल मीना के होते हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी चांदी की भाग बकरी की आती है। आज की राग सेवा आज के कीर्तनों की चर्चा करें तो आज मंगला दर्शन में कीर्तन कोई नई सी जात अहिरी राजभोग में ग्वालन मीठी तेरी छाछ आरती में आज नंद के नंदन सो शयन में गर्व गहेली गुजरिया मान के कीर्तन में आज नीकी बनी राधिका रानी और पोड़वे के कीर्तन में पोड़िए पिय कुंवर कनाई के पदों का गायन प्रभु श्री के सम्मुख होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम दान लीला के एक कीर्तन का श्रवण करते हैं। ग्वालिन गोरस नेक चखायो। कीर्तनकार है डॉक्टर नटवर गोपाल जी मापावा। नेक चखाए
माता को कीजे भाऊ वाली ने पुरुष नीके चखा किते वक्त बेकाम बिकाजे ओरने देते जना मदन गोपाले मोल दे ले तू काहे को रिसावे ग्वाली ने उरस नीक चका कहा करे संकीत मुश्कान रस लंपट बजेरा परमानंद नंद नंदन सो परमानंद नंद नंदन सो नयो ने है नयो चावे ग्वाली ने गोरस नीके चका से नीके।